मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मैं हूं इस टाइम शिमला तारा देवी के पास ही। और आप लोगों को बताऊं कि वैसे तो मैं वीडियो डालना चाहता हूं डेली, पर डाल नहीं पाता हूं। आप लोग भी सोचते होंगे कि आप डेली वीडियो आ नहीं रहे हैं, तो कारण भी थोड़ा सा मेरा कुछ। वैसे भी मैं बता दूँ कि मेरे साढ़ू भाई साहब की डेथ होने की वजह से मैं 17-18 दिन तो वैसे वीडियो नहीं डाली थी मैंने। और अभी वहाँ से आने के बाद मैंने वीडियो कुछ डाली, फिर मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ढीली हो गई थी, तो भी मैं वीडियो डाल नहीं पाया था। आसपास कौन सी चीज़ दिखाऊं कि वीडियो आसपास ही बनती रहे तो थोड़ा टाइम भी मिल जाए, इसलिए मेरे को दूर दूर जाने वाला काम है। तो दूर दूर जाने के लिए तो आप लोगों को बताइए कि कितना टाइम निकालना पड़ता है, तो इस वजह से भी वीडियो जल्दी जल्दी नहीं आ पाती, थोड़ा लेट हो जाता है। पर कोशिश करेंगे आप लोगों का, अगर हफ्ते में तो दो वीडियो ना डाल पाए तो कम से कम एक वीडियो डाल दूँ, ये कोशिश मेरी ज़रूर रहेगी। पर ज़्यादा वीडियो मैं डाल ना पाऊँ तो निकलते हैं यहाँ से फिर सीधा एक छोटी सी राइड पर। और आजकल आप लोगों को पता ही कि बरसात के क्या हालत है, तो आज तो अच्छी खासी धूप निकली हुई है और बाकी टाइम पर इतनी बरसात हो रही थी। और परसों तो दमादम इतनी बरसात हुई है कि सुनने में आया सोलन का एक पुल ढह गया, तो मैं अभी राइड पर जा रहा हूँ तो आप लोग को वो पुल भी दिखाता हूँ। रोड काफी खराब हो गया बरसात की वजह से, काफी गड्ढे हो गए रोड में। और आप लोग तो न्यूज तो सुनते ही होंगे कि हिमाचल में लैंडस्लाइड, और ये बरसात के टाइम में इतनी ज्यादा हो जाती है ना कि बहुत से नुकसान होते हैं यहाँ पर, जान माल तो होता ही है, जायदाद का भी होता ही है। तो इसलिए जब भी पहाड़ों में जाते हैं, चाहे वो आप उत्तराखंड जाओ चाहे कहीं भी जाओ, आप पहाड़ों वाले इलाके में जाते हैं तो बरसात के टाइम में थोड़ा सतर्क रह के ही जाना। आगे की मैं हाल बताता हूँ, अभी परसों ही बारिश इतनी तेज हुई थी पूरी, मतलब ये लगा लो कि रात भर बारिश दमा, मतलब झमाझम जो बारिश होती है इतनी जोर की हो रही थी बारिश, और साथ में हवा भी बड़ी तेज थी, और पूरा मतलब 24 घंटे से ऊपर ही बारिश हुआ होगा मेरे को तो यही लगता है। और उसमें अगली सुबह पता लगा कि वहाँ पर जो आपका शिमला कालका बाईपास, ये शिमला कालका के लिए जो पुल बना हुआ नया, वो भी ढह गया वहाँ पर सोलन में जो है। तभी वहीं चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि क्या हालत है उस सोलन के पुल की। आगे 4 लेन की वजह से थोड़ा सा खुला खुला सा लग रहा है, पर अभी भी 4 लेन का काम पूरी अच्छी तरह से हो नहीं पा रहा है। जितनी बार साफ सफाई करके रोड खोल देते हैं उतनी बार फिर बरसातों में फिर डंगा गिर जाता है, और उसकी वजह से फिर वो एक रोड बंद हो जाती है, फिर वही हालत। मतलब अभी तो 4 लेन का फायदा नज़र नहीं आ रहा है, अच्छी तरह से पूरी तरह से खुल नहीं पा रहा है रोड। ये देखो, देख रहे सारा दूसरी तरफ की रोड की हालत देख ली, तो इस तरीके से हो जाता है सारा बंद। ये देख रहे सारा, ये भी फिर एक ही रोड में सारी गाड़ियां चलती हैं फिर उसके बाद। ये 4 लेन के काम की वजह से पहाड़ियां जितनी काटी है ना वो सारी की ऐसे दरकने लग जाती है एकदम, क्योंकि इसको अच्छे से बांधा नहीं गया ना इस तरीके से इनको। अब क्या किस भाषा में बताया जाए कि इसको किस तरीके से इसको बांधना चाहिए, तारों से जालियों से करके अच्छी तरह से, फिर इसके साथ में डंगे लगा देने चाहिए पूरे पत्थरों के। देखो सफाई हो रही है यहाँ पर,
तो यही बात है कि फोर लेन बनने के बाद भी दोनों लाइन तरीके से यूज नहीं हो पाती है। उधर देखो सामने पहाड़ी, देखो पूरा डायरेक्ट है ना बरसातों के आलम। कोई गाड़ी जा रही है और उसके ऊपर ऐसे ही बरस जाए तो क्या होगा, हालत बुरी हो जाती है। कई बार तो ऐसे बड़े पत्थर गिरते हैं कि उसके अंदर बैठा वाला ही बताने लायक वो नहीं होती, या समझ ही जाओगे क्या हालत होती है इसकी। ऐसे कई केस हो चुके हैं इसमें। बाकी ऐसे मौसम में बाइक चलाने का जो मज़ा है वाकई में, और ऐसी खुली रोड मिल रही है ना इस टाइम पर। जब पहाड़ों में आते हैं तो पहाड़ों में ऐसे सुंदर सुंदर ग्रीनरी देखने को मिलती है चारों तरफ, और जब कुछ खतरनाक देखने को मिलता है तो इस तरीके की पहाड़ी दरके हुए नज़र आते हैं आप लोगों को, जब टूट के गिरी हुई एकदम पहाड़ियाँ नीचे सारी, और ये पूरा एक रोड पूरा बंद हो चुका है देख सकते हैं ये। तो इस तरीके के माहौल बनते रहते हैं पहाड़ों में, और बाकी सुंदरता देखनी हो तो आप ग्रीनरी देख सकते हैं, पहाड़ियाँ देख सकते हैं। तो ये सब हिमाचल हो चाहे उत्तराखंड हो, पहाड़ों में ये हाल आपको नज़र आएगा ही आएगा। और इस टाइम बादल कितने प्यारे लग रहे हैं, बादल चलते हुए मेरे को लगता है बारिश होने के आसार भी होंगे। अभी धूप निकल रही है, कभी छाया हो रही है। अभी ट्रेन आने वाली है, इस वजह से ये जाम लगा हुआ है। और ये सोलन का रेलवे फाटक है देख सकते हैं, ये अभी ट्रेन आने वाली है। आवाज तो खोली नहीं आ रहा, दूसरी भी आ रही है क्या? अच्छा खुलेगा।
ये पुल है जो ऊपर जा रहा है शिमला से कालका की तरफ, ये आगे ढह गई है नीचे पुल जो है, मैं आपको दिखाऊंगा ये वाला पुल। यहाँ पर ये रोड बंद कर दिया है, यहाँ से ऊपर पुल जो ढहा है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके, मैं दिखा सकता हूँ तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये रोड ढह गया हुआ है आगे से नीचे। अब ये बरसात के मौसम ने ऐसी हाल कर दी है कि पूरा पूरा मतलब पुल जो नीचे ढह गया, और दो गाड़ियाँ उसमें नीचे गिरी हैं उसमें, और पता नहीं कितने जख्मी हुए होंगे वो या क्या हुआ है, इस बारे में तो मुझे भी नॉलेज नहीं है। अब इसको जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करेंगे ये, तो ये देख सकते हैं सामने, यहाँ से पुल नीचे गिरा है ये। तो यहाँ पुलिस प्रशासन भी लगी हुई है इस वक्त, और यहाँ ठेकेदार वगैरह भी होंगे सारे, जो सारे काम पे लगे हुए। इससे ये जो दरार है आप देख सकते हैं यहाँ, ये जिस तरीके से ढहा है ये, और नीचे से काम चालू हो चुका है यहाँ पर, वो जेसीबी लगी हुई है देखो, सारी सफाई वहाँ से शुरू कर रही है। और नीचे वो जो दो गाड़ियाँ गिरी पड़ी हैं वो आपको दिखाता हूँ मैं, जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पर, वो देखो आपको गाड़ी दिख रही होगी इधर, ये देखो ये गाड़ियाँ गिरी पड़ी हैं यहाँ पर, और ये पूरा का पूरा यहाँ से ढहता हुआ नीचे गया है, ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये पूरी रोड ही नीचे ढह गई है। तो इसका भरान में गड़बड़ थी या क्या था वो तो बाद में जांच पड़ताल होने के बाद ही पता लगेगा इसका। तो देख सकते हैं ये सारा, और ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था अगर यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होती तो। उस टाइम हादसा क्या होता वो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़ी कितनी चौड़ाई में ये टूट के गिरा है ये, और पूरी रोड गिरी है, ये नहीं कि आधी एक साइड से गिरी होगी, पूरी रोड गिरी हुई है। और इसमें अगर लगातार सेफ सीज़न है और लगातार ट्रकों का आवा जाए लगातार कंटिन्यू चला होता है इसमें एक कारवां की तरह, तो फिर तो बहुत ज़्यादा भयानक हादसा होता है। और पुलिस प्रशासन यहाँ है यहाँ पर, और बाकी जेईस वगैरह मेरे ख्याल से यहाँ होंगे इधर ही, और न्यूज़ भी इधर है काफ़ी लोग। और ये सीधा आपका जो है टनल, ये से कालका तक का टनल यहाँ पर सामने ही उधर जाता है, ये जो रोड आपकी ये दिख रही है यहाँ से, ये शिमला से कालका का जो पुल बना हुआ है ये वही पुल है। और जिस तरीके से ये डहरा है तो ऐसा लगता है जैसे इसमें ठेकेदार की भी कुछ गलती मेरे को नज़र आती है इसमें, पर बाकी तो ये जाँच पड़ताल के बाद ही पता लगना, क्योंकि जिस तरीके मट्टी की भरान इस तरीके से की हुई है और साइड में जो सपोर्ट दिया हुआ है वो बहुत ही कच्चा लग रहा है एकदम ही। और जितनी जल्दी हो सके इसको भरने की कोशिश की जाएगी, और रोड जल्द से जल्द चालू करने की कोशिश में लगे हुए हैं अभी है। पुल के साइड से ये एक रोड ये नीचे से जा रही है, यहीं से वापस कालका से आते हुए तो यहीं से वापस आ जाता है, और ये रोड कालका तक के जाने के लिए रास्ता ऊपर से था जो बंद हो गया है। अब सारी गाड़ी नीचे से ही जाएंगी, नीचे से ही आएंगी अब।
तो दोस्तों देखा आप लोगों ने किस तरीके से ये पुल नीचे ढह गया था ये, और कितनी चौड़ाई में और कितनी मतलब घेरा है, कितना बड़ा एरिया है जो नीचे ढह गया है। उसी को देख के लगता है कि अगर सपोज करो यहाँ पर ट्रैफिक जाम हुआ होता या कंटिन्यू गाड़ी चल रही होती, कितना भयंकर हादसा हो सकता था, वो आप लोग सोच सकते हैं। शुक्र है कि ज़्यादा भयानक हादसा नहीं हुआ है और दो गाड़ियाँ नीचे गिरी हैं। गाड़ियों को देखकर आप लोगों ने अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि गाड़ी में बैठे हुए लोगों को कितनी चोट पहुँची होगी। तो फिर यहाँ से भी निकलते हैं। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।